अच्छे जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है और ढेर सारी बधाई थी आपके गाना जो आपकी म्यूजिक कंपनी हंस रिकॉर्ड से रिलीज हुआ था नियर जाए के बड़े 1.5 मिलियन हुआ और आज आपने खुशी मनाते हुए केक काट कर पार्टी की है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो खुशी है ये मेरे टीम के लोगों के लिए मनाया गया है। अब कुछ लड़कों का कहना था कि 1 वीक में 1.5 मिलियन गया है, शायद मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है कि 1 वीक में 1.5 मिलियन गया है, तो फर्स्ट टाइम था तो ये खुशी तो हर किसी को होती है। अच्छा दूसरा जो था ना कि दूसरा जो खुशी ज़्यादा इसलिए था कि इसी गाने पे स्ट्राइक आ गया था 2 दिन पहले। हाँ एक किसी ने बोल रहा है, कंपनी वाला कोई है, कि वो बोला कि मैंने शिल्पी राज से एक्सक्लूसिव साइन किया था तो उस बिहाफ पे इसने स्ट्राइक मारा था, तो फिर बातचीत करके फिर अच्छा भैया खुलवाया, तो ये अभी परसों ही गाना फिर खुला है, 2 दिन तक बंद था, तो इससे ज़्यादा खुशी ये था कि गाना बंद हुआ फिर चालू हुआ। सही तो बात है, और अगर ये बंद नहीं होता तो शायद अभी 2 मिलियन क्रॉस हो चुका होता, कि अच्छे स्पीड में भी था। बट अभी तक सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक गाना है वो है कल्लू जी का गाना है, एक सटसट मरलेवा, और उसमें अंतरा सिंह प्रियंका भी आवाज़ दी हैं, और उसके बाद फिर अपने शिल्पी राज का गाना है, चंदन चंचल का गाना है, और अभी तो आने वाले गाने हैं अमित आशिक, ओम प्रकाश अकेला, खेसारी लाल यादव जी, और भी एक दो सिंगर हैं जिनके साथ आ रहा है, और अभी और प्लानिंग हो रही है और लोगों को जोड़ने का साथ में। और आने वाला गाना कोई बड़ा धमाका? हाँ एक गाना है हमारे पास जिससे हम सबको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जिसका नाम है जमुरा जी। उस गाने की खासियत क्या है? खासियत ये है कि वो गाना देखने के बाद आपको फील होगा, आप अपने बचपने को जी पाएंगे उस गाने के साथ, और ये हमारी पूरी टीम की गारंटी है कि उससे आप कभी बोर नहीं हो सकते, उस गाने से कभी बोर नहीं हो सकते। आप एक बार देखोगे, 10 बार देखोगे या 100 बार देखोगे, आपको वही चीज़ लगेगा कि नहीं फ्रेश कंटेंट हम देख रहे हैं, फिर से देख रहे हैं, नया चीज़ देख रहे हैं। अरे इनके बारे में तो क्या तारीफ करना, ये मतलब वर्ड में नहीं तारीफ किया जा सकता इनके बारे में। नहीं सही बात है, ये मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ है, आजकल थोड़ा सा मतलब कोई अगर इंसान आगे बढ़ जाता है तो उसमें इतनी मतलब धौंस और इतना देखने को मिलता है। वो हाल फिलहाल में अभी हम लोग 2-3 दिन पहले तक देखे, अभी जो इन्होंने बताया वो उस चीज़ में मुझे देखने को मिला है। लोग अपना घमंड थोड़ा सा ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं। आप अगर 1000 सब्सक्राइबर वाले कंपनी मालिक हैं उनके लिए भी ये सेम है, या आप 10 मिलियन वाले हैं उनके लिए भी ये सेम है, और सबकी बराबर इज्जत करते हैं। तो मेन तो इज्जत होती है, अगर आपको कोई इज्जत और प्यार देता है उससे बड़ी चीज़ तो कुछ हो नहीं सकता। तारीफ तो करते ही रहते हैं, और इनके बारे में पहली बार मुझे कल्लू जी ने बताया था, एक कल्लू जी का एक फिल्म था, क्या नाम था उनका जो, मैं नागिंदु सपेरा, उसके इन्होंने प्रोड्यूस किया था, तो उसी टाइम कल्लू जी ने बोला कि एक है मेरे मतलब बहुत अच्छे हैं, उनका चैनल बनाना है, तो फिर उनके ही गाने से पहला गाना जो था सट मरलेवा, तो उसी गाने से चैनल स्टार्ट हुआ था। तब से हम लोग के बीच मतलब बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, हम लोग मतलब मुंबई भी जब ऑफिस था, मतलब अभी भी है ही, जब मुंबई में मैक्सिमम बैठते थे तो वहाँ भी आते थे, तो एक बार आए थे, सिर्फ 4-5 दिन के लिए आए थे। हाँ। लेकिन 1.5 महीना रह गए थे, उन्हें यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो पटना वाले ऑफिस भी जाते हैं तो वहाँ भी मिलना जुलना होता है, मतलब है अभी चैनल अभी ग्रोथ कर ही रहा, बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, और जितने भी गाने आए भी वो सब भी अच्छे रहे हैं। तो ये जो जमुरा गाने के बारे में बता रहे हैं ये बहुत, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो इसको रिलीज करने वाले थे हम लोग पहले ही, लेकिन नवरात्रि के बाद हम लोग रिलीज करेंगे क्योंकि नवरात्रि में भक्ति गाने अभी ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं। तो ये या तो 10वीं के दिन रिलीज होगा या 10वीं के एक दिन बाद रिलीज होगा। बड़ा धमाका होगा, आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ, तो इसमें आपकी टीम और आपकी कंपनी पूरा जोर लगा देगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इन्होंने इनको मुझसे जुड़वाया है मुसाफिर जौनपुरी, जो कि इस गाने के राइटर भी हैं।
हाँ, जो कि एक राइटर है हम लोग की कंपनी के लिए, अच्छा गाना उन्होंने लिखा भी है, और इससे पहले उन्होंने करिहैया भी लिखा है जो कि लगभग 70 मिलियन लगभग 70 मिलियन बड़ा दुखी लग कर है नीलकंठ फिल्म के लिए, और पार्ट टू भी लिखा है वो लाडो फिल्म से म्यूजिक के लिए। तो एक अच्छे राइटर हैं, वो उनसे जुड़ने के बाद मुझे इनके बारे में उन्होंने बताया और बोले कि अच्छा डायरेक्ट करते हैं, पहले ये मुंबई में काम करते थे, मतलब मुंबई में डायरेक्शन देते थे वीडियो का, अब ये जो है यहाँ पे बनारस आए हैं, बनारस में करते हैं, अच्छा काम करें। शिवम जी, ये जो लहर जाके पड़ी गाने का 1.5 मिलियन का केक कटा, क्या गाना चाहेंगे? ये सॉन्ग मेरे लिए मुझे लगता है कि इस मंथ का 5वां गाना है, नहीं 4था गाना है जो 1 मिलियन क्रॉस किया है। इससे पहले 2-3 सॉन्ग दूसरे कंपनी सुजा से भी है, एक गाना 1.5 मिलियन क्रॉस है, 1.7 मिलियन, उससे पहले भी 2-3 कंपनी के, अभी लाडो का भी पहुँचने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे कम टाइम में नैयर जाके पड़ी का जो मैंने वीडियो डायरेक्ट किया है, सबसे कम टाइम में यही 1.5 मिलियन क्रॉस किया है। सुजय वाला भी 1 मंथ लगा दिया, लेकिन ये वाला जो है नैयर जाके पड़ी अंशिका रिकॉर्ड्स पे, ये 1 हफ्ते में 1.5 मिलियन क्रॉस किया। और आने वाला गाना जमुरा के बारे में, आने वाला जमुरा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसलिए क्योंकि उसमें मेरी बहुत सारी मेहनत लगी है, हम लोग को पूरा आधा दिन लग गया था उसमें शूटिंग में, और काफ़ी सारे अलग अलग किरदार लाने में, उसमें एक बंदर लाने में सबसे ज़्यादा वक्त लगा है जो उसमें किरदार है। तो यही सब है, और जमुरा का भी पोस्टर लॉन्च है, फर्स्ट लुक लॉन्च भी है, वो आप सब के सामने शेयर है। अंशिका रिकॉर्ड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अंशिका रिकॉर्ड्स के बारे में यही कहूँगा कि अब उस कंपनी का मुझे लगातार काम करना है, क्योंकि उसके निर्माता अच्छे भैया यहीं पर हैं, और बहुत अच्छा इनका स्नेह प्यार मिलता है, और इनके साथ रेगुलर मुझे लगता है कि मैं अपना कुछ काम भी छोड़ के एक बार बोले उसके बोलने पे हम लोग यहाँ पे सब लोग साथ में केक काटने आ गए, फिर उसके बाद काफ़ी सारी मेहनत कर रहे हैं, आगे का जितना भी प्रोजेक्ट है सब प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि मैं ये करूँगा। ये चलते चलते अक्षय जी क्या कहना चाहेंगे, अंशिका रिकॉर्ड्स आने वाले दिनों में किस ऊंचाई पर पहुंचेगी? अब वो तो पब्लिक जानती है पब्लिक क्या देगी, लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे, इसकी गारंटी है कि हम लोग बहुत जी तोड़ मेहनत करेंगे जितना हम लोग से हो सकता है, और बाकी पब्लिक पर है, बहुत ज़्यादा। अंशिका रिकॉर्ड्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो भी गाने आते हैं, जो अच्छे गाने होते हैं, उनको शेयर भी कीजिए, और जितना भी हो सके उसको लोगों को भेजिए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप से हो या फेसबुक से हो, बस। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.